मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग अपने जीवन में तो जीते हैं सीखते सीखते, लेकिन मैं आपको भी एक ऐसी आज सीख देने वाला हूँ, आपको भी आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अगर आप इस स्टोरी को अंत तक सुनेंगे तो मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस स्टोरी से जो आपको अंत में लर्निंग मिलेगी वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी को आप ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इसकी लर्निंग को जरूर लेके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक शहर था, उस शहर में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पूरे शहर में बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था। वह मूर्तिकार इतना अच्छा शहर में था कि दूसरे देश के शहर के लोग भी उससे मूर्ति बनवाने के लिए आया करते थे। एक बार उसके पास एक देश का राजा आया, दूसरे देश का राजा आया उसके शहर में उससे मूर्ति बनवाने के लिए। वह राजा कहा, सर आपसे एक काम है। तो वह मूर्तिकार ने कहा, बताइए सर, राजा साहब आपको क्या सहायता चाहिए। तो उस राजा ने कहा कि मेरा शहर, मेरा देश बहुत छोटा है, उसमें मात्र 1000 पीपुल हैं, 1000 आदमी हैं और सारे आदमी बहुत अमीर हैं। मैं चाहता हूँ मेरे देश के बीच में एक गुम्बद बना जैसा मीनार हो, उसके ऊपर 1 फुट का मूर्ति होगा। तो उस मूर्तिकार ने कहा, ठीक है बन जाएगा। तो उस राजा ने कहा, कितना दिन लगेगा उस मूर्ति को बनाने में। तो मूर्तिकार ने कहा, 6 महीने। तो राजा ने कहा, 6 महीने? तो उस मूर्तिकार ने कहा, हाँ 6 महीने। तो राजा फिर वह बोल के चला गया। फिर वह मूर्तिकार 6 महीने का टाइम लेके मूर्ति बनाने लगा। जब मूर्तिकार अपना मूर्ति को बना रहा था तो उसका एक दोस्त उसे घर पे आया, जो दोस्त बाहर रहता था वह भी मूर्तिकार का 6 महीने बाद आया था। जब उसका दोस्त देखा उस अपने दोस्त फ्रेंड के सामने, मूर्तिकार के सामने, कि उसके बोर्ड में लिखा हुआ था डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि दोस्तों मूर्तिकार अपना मूर्ति बनाने में व्यस्त था। जब वो मूर्तिकार अंदर गया तो देखा कि उसके दोस्त कुछ बनाने में बिजी है, तो उसने अपने दोस्त को कहा, कैसे हो? तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम अभी बैठो, लंच का टाइम होगा तो हम लोग बात करते हैं। तो उस मूर्तिकार ने कहा कि लंच तक बैठो, उसका हम लोग बात करते हैं। तो उसके दोस्त जब वहाँ बैठे हुए तो उसके चारों तरफ देख रहे थे, तो उसको उसने देखा कि जो मूर्तिकार उसका दोस्त जो मूर्ति बना रहा है वह एक मूर्ति पहले से रखा हुआ है। तो यह देखकर उसको आश्चर्य लगा, लेकिन उस समय वह पूछ नहीं सकता था क्योंकि वह काम कर रहा था। जब वह मूर्तिकार का खाना खाने का लंच का टाइम हुआ तो उसका दोस्त पूछा वहाँ पे आया कि तुम इतना मेहनत से क्या कर रहे थे। तो उस मूर्तिकार ने कहा, एक देश का राजा आया था, वह मूर्ति बनाने को कहा। तो उसका दोस्त बोला, कितना मूर्ति बनाने को मिला? तो उसके मूर्तिकार ने कहा, 1 मूर्ति। तो उसका दोस्त बोला, तुम्हें 1 मूर्ति बनाने के लिए मिला है, 1 पहले से बना के रखा हुआ, फिर ये दूसरा मूर्ति क्यों बना रहे हो? तो उसके मूर्तिकार दोस्त ने कहा कि वह जो पहली वाली मूर्ति है उसमें थोड़ा खराबी हो गया है, उसमें थोड़ा हथौड़ा मारने के समय टेढ़ा हो गया। तो उसके दोस्त ने कहा, दिखाओ कहाँ है? तो उसके दोस्त ने कहा, ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखो। तो माइक्रोस्कोप से भी सही से नहीं दिख रहा था, वह इतना छोटा सा मूर्ति में गलती था कि वह सही से दिखता भी नहीं था। उसके दोस्त ने कहा, तुम पागल हो क्या? 1 फुट का मूर्ति ऊपर से इतना छोटा सा गलती कि उसमें दिखेगा भी नहीं कि कुछ खराबी है, कुछ कमी है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उस मूर्तिकार ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा, दोस्त किसी को पता न चले कि उसमें क्या खराबी है, लेकिन मुझे तो पता है उसमें क्या खराबी है, उसमें क्या कमी है, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें खुद में ईमानदार होना चाहिए, हमें सेल्फ ऑनेस्ट होना चाहिए, तब हमें ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए कि जब कोई लोग देखे कि वह काम सही कर रहे हैं या नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन में नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि वह अपने ईमानदारी से कोई भी काम नहीं करते हैं। वह मूर्तिकार भी अपने जीवन में इसलिए अच्छा मूर्तिकार था क्योंकि वह ईमानदारी से काम करता था। अगर आप भी किसी काम को लेकर ईमानदार रहेंगे तो वह काम आप जरूर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग अपने करियर को लेके ऑनेस्ट नहीं रहते, जिस वजह से वो अपने करियर में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और वह अपनी किस्मत को दोष देते हैं। दोस्तों अगर आप
मेरी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोज़ की नई अपडेट्स, नए नए वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रही। थैंक यू।